इतनी ज्यादा शदीद हो रही है ना कि बर्फ के वो जो कहते हैं ना ओले वो गिरे और ये देखिए यार मैंने भी उठा के लाई है बाहर और इतने मेरे सर की अभी मैंने नाश्ता किया है और मौसम कुछ ऐसा है कि बादल फुल काले आए हैं रात को जैसा कि मैंने दिखाया था हल्के हल्के से बर्फ ओले जिनको बोलते हैं वो गिरे थे और बारिश होने वाली है। नाश्ता भी किया है तकरीबन टाइम 9:30 को है चाय पी रही थी मैंने कहा छोटा सा क्लिप बना लूँ अभी सफाई वगैरह करनी है और सब्जी मामा ने ली है आज टिंडे बनेंगे और ये टमाटर लिए हैं टमाटर माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश थे बड़े बड़े तो ये भी लिए हैं इनको वॉश करके तो हम रखेंगे फ्रिज में। इतना ज़्यादा ख़राब हो गया देखें बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं उस साइड से फ्रंट से और हवा भी चल रही है आपको वो नज़र आ रहा होगा। अभी हम शायद थोड़ी देर तक छत पर जाएं फिर आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे और अब करेंगे सफाई ऐसे करके। मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ आज बन रहे हैं जी टिंडे टिंडे बन रहे हैं मौसम अच्छा है तो अम्मी की पसंदीदा सब्ज़ी है जैसा कि सबको पता है कि टिंडे जो हैं वो पसंद होते हैं किनको पसंद होते हैं अम्मी अबू को पसंद होते हैं बच्चों को तो खैर नहीं पसंद होते तो बस वो टिंडे बन रहे हैं और बारिश अभी रुकी है सफाई वगैरह अभी करनी है मैंने किचन क्लीन किया है और बाजार अभी भी हैं अम्मी और फातिमा भाई चार पे बिछा के बैठ गए हैं बाकी काम बात की और मैंने जाना है आज बाजार एक छोटा सा काम है और अपनी कुछ चीज़ें लेनी है मैंने तो बस फिर बाइक का भी आज थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे वेदर के हिसाब से चले ऐसा ये लड़का है ना एक घंटे से उसने अपने कपड़े प्रेस किए हैं वो कब से उसको कह रही है कि मैंने बाजार जाना तब से हिला नहीं है जब वो बिल्कुल रेडी होगी मास्क लगा के खड़ी होगी तब उठ के उसने कह रही है कि मैंने कपड़े चेंज करने हैं मुझे शर्ट प्रेस करो फिर कहता मैं सर धोने लगाऊं तो और अभी उसने फौरन इसकी शर्ट प्रेस की है फिर इसने सर धो जाएगी ऐसे करता ही हमें बाजार ले ही नहीं जाता। आप कहते हैं कि बाहर के व्लॉग बनाए एक हफ्ता इसको पहले तैयार करना पड़ता है कि हमें बाहर घूमने जाना है हमें ये काम है तो फिर जाता है ऐसे ही इसकी आदत है और अभी भी जो है ना इसका सामान ही पूरा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है सबके ठीक है हमारे हाल तुम करते हो ना हमारे चलो इधर भी इतनी देर करनी चाहिए अभी 15 मिनट उधर लगा के आया 5 मिनट इधर अभी ये दोनों व्लॉग कंटिन्यू करेंगे आगे आपके साथ अब आप मेरे पास आते चलें चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैं और भाई शराज आए हैं ये है हमारे बाजार की कॉस्मेटिक शॉप है ये अंकल है भाई शराज के मेरे साथ ये हमारे बाजार में शॉप है सरदार जी भी कॉस्मेटिक जी सिंह ब्रदर उनकी शॉप का नाम है शैम्पू लिया हमने यहाँ से अब ठीक है चले अब हम लेके घर चलते हैं फिर आप साथ आगे शेयर करते हैं वो जानते हैं हमें हमने शॉप चेंज कर लिया उधर से हमें पापा का कलर नहीं मिला इनकी लाइट बंद है तो थोड़ा सा अंधेरा है अब दे दें भाई जो आप सामान लगाते हैं पापा कलर उन्हें वो जो डिब्बे वाला होता है ना बॉक्स वाला ओलिविया का और गार्नियर का वो उन्हें अच्छा लगता है ये वाला वो लगाते हैं तो इसलिए हम ये लेते हैं उनके लिए ये हमने ले लिया। मौसम बहुत प्यारा है भाई ने देखिए हवा चल रही है हम आ गए हैं बेकरी पर जो कि मैंने अपने कहा था कृष्ण चाय के साथ खाने हैं उन्होंने बिस्किट वो लेने के लिए फिर मैंने अपनी चाय खाली नहीं हो सकती ये है आगे भी बढ़ेंगे अब हम लेके फिर जाएंगे। दोपहर की बन रहा है खाना रोटियां बन रही हैं बाबा आ गए और जुमे की अजान हो रही है आपको आवाज़ आ रही होगी रोटी देखें कितनी प्यारी आपने बनाई है वेरी गुड लड़की लड़ाइयाँ हो रही है ये चलो इधर आओ वापस कहाँ भाग रही हो इधर ये देखिए आज भाई शराज ने पहना है ईद वाला सूट यू वेरी चलाक ब्रो जानते हैं आप इस शख्स को। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज मैंने सूट पहना जरा पुराना जो ये पुराना था हाँ जी ये दूसरी दफा पहना है अभी ये पुराना हो गया
अब कुट लगेगी। बन रही है बहुत ज्यादा। ये भी वीडियो बन रही है इस वजह से मैंने मैं तो कुछ नहीं कहना, इसको मैं बाद में बताऊंगी। बाद में बताऊंगी, इसके बाद में पिटाई होगी। जी भाई जा रहे हैं सामान लेने के लिए, चले जी। अब बताओ जरा मस्ती है जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आप सबको जुम्मा मुबारक। तो जैसा कि आपको पता है व्लॉग जो है वो मेरा कल से स्टार्ट है, और अभी बनाने लगी थी शाम का खाना। आज हमने दोपहर को खाना नहीं बनाया है, बस कुछ लेट होने की वजह से पापा आ गए थे तो फिर हमने बाहर से कुछ मंगवा लिया था। वैसे भी जुम्मा था और थोड़ा बिजी, आपको पता है जुम्मा होता है सब नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, वैसे भी पढ़ते हैं लेकिन एक जुमे को एक रूटीन होती है ख़ास, सब घरों की होती है वैसे ही हमारी है। तो बस इस वजह से दोपहर को खाना नहीं बनाया, अभी बना रहे हैं। और आज हम बनाएंगे माश की दाल, और ये रही माश की दाल। इसको मैंने बॉयल किया है, आधा इसको मतलब गलाया है, आधा जो है हम जब कुक करेंगे तब गलेगी। और अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और फातिमा ने बाहर सेहन ठंडा किया है, मामा अभी नमाज़ पढ़ के बैठी हैं। और मौसम नहीं, पूरे पाकिस्तान का मौसम ही सही हो गया जी। और फातिमा आप सामान पैक करेगी शराज पर, मैं आपके साथ लोग कंटिन्यू करूँगी, दाल बनाने लगी हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ साथ साथ। चले जी, खाना मैंने ऊपर रख दिया है, प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, इसमें डाल देते हैं हम लहसुन और अदरक शामिल कर देते हैं। और टमाटर जो है ये मैंने दो बड़े लिए हैं, मतलब मीडियम साइज़ से बड़े, तो ये डालेंगे इसमें क्योंकि दाल है तो थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी लगेगी। तो जैसे ही ये लहसुन अदरक ब्राउन होता है तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, ठीक है। चले जी, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया थोड़ी सी काली मिर्च और सब्ज़ मिर्चें वो हमने इसमें डाल दी हैं। इसको जल्दी से अच्छे तरीके से भून के तो इसमें हम जो हमारी वो दाल है आधी गलाई हुई वो हम इसमें शामिल कर देंगे, आधी उसको मैंने कुक किया हुआ है आधी इसके अंदर हो जाएगी। अच्छे तरीके से मसाले को भून लेते हैं क्योंकि आपकी जो खाने की बेस है ना वो ये मसाला ही होता है, जितने अच्छे तरीके से ये भुना होगा आपका खाना उतना ही लजीज बनता है, मज़ेदार बनता है। और बस इसको भूनते हैं और इसमें दाल शामिल करते हैं। सिंपल सा आज हमारा मेन्यू है, ये दाल सबको ही पसंद है। मूंग मसूर की दाल तो चलें कोई होते हैं जिनको नहीं पसंद, जो माश की दाल है ये तो मेरे ख्याल में सबको ही अच्छी लगती है। तो बस इसी वजह से आज हमने बनाई है। बॉयल इसलिए किया है क्योंकि मामा को जो है ना वो बादी चीज़ें वो मना है, आपको पता है दांतों में दर्द और जोड़ों वगैरह में दर्द हो जाता है, तो बस इस वजह से इसको मैंने बॉयल किया और उसका जो सारा पानी है वो रिमूव कर दिया है ताकि उसका जो असर है वो थोड़ा कम हो जाए। लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा डाला है, वैसे भी इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च एंड पे डालेंगे ताकि जो उसका जितना हो सके ना ये मतलब हम हेल्दी तरीके से इसको बनाएं। हम जो गोभी है वो भी बॉयल करके ही बनाते हैं, तो बस इसको मैं भून लेती हूँ और इसमें दाल को शामिल कर देती हूँ। चलें जी, दाल जो है वो हमारी रेडी हो गई है, धनिया डाल देते हैं और सब्ज़ मिर्चें और मैंने थोड़ा सा काटा था अदरक ये भी शामिल कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट बस दम पे रखेंगे, बिल्कुल हमारी दाल रेडी हो गई। इसने छोड़ दिया है, ज़्यादा चम्मच नहीं घुमाते हैं ना, हो ले के आओ छनी में तो मसाले थोड़ा सा निकाल। अभी इसमें ऑयल और छोड़ना है, ले जाओ बस इतना सा। फातिमा भी ऑयल उसका निकलना है, इतना सा क्या ऑन है वीडियो। फातिमा ने लंच नहीं ठीक तरीके से किया था इसलिए फातिमा मुझे कह रही है। जैसा कि आपको पता है हमने खाना जो है ना रोटियां मैंने घर पे बनाई थी, सालन बाइट से मंगवाया था, उसमें स्पाइसी थी तो ये जो है ना ऐसी चीज़ें बहुत कम खाती है, इसको कवर कर देती हैं बिल्कुल स्लो करके और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो खाना वगैरह बन गया, मैंने अभी मगरब की नमाज़ अदा की है तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग को उसको भी एंड कर दूँ और पापा भी आएँगे, जब आएँगे तो रोटियाँ आपको पता है तब बनेंगी गर्म। और मैंने एक बात ये कहनी थी कि
मैं ये सोच रही हूँ कि जो लोग अपलोड करने का टाइमिंग है वो मैं चेंज कर दूँ। तो मैं सोच रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस टाइम क्या करूँ। अगर आप मुझे कुछ कमेंट में सजेस्ट करते हैं कि मैं किस टाइम लोग अपलोड किया करूँ। वैसे मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो किया करूँगी दोपहर को 2 से 3 के दरमियान लोग अपलोड कर दिया करूँगी। बता इसलिए रही हूँ वीडियो में ताकि जिनको नहीं पता चलेगा वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने जो टाइमिंग है वो चेंज करनी है। वजह ये है क्योंकि गर्मी है तो लोड शेडिंग का कुछ पता नहीं है, रात को होती है तो फिर इस वजह से बहुत मसला होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं डे में किसी वक्त अपलोड कर दिया करूँ। तो अगर आपको कोई टाइम लगता है ठीक तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त और दुआ में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।